जब आपने गाड़ी प्लान की थी तो और कौन कौन सी गाड़ियां शॉर्टलिस्ट की थी? फॉर्चुनर देखी थी भैया, और फॉर्चुनर देखी थी भाई। इसका और फॉर्चुनर का क्या मेल आ गया? 6-7, 6-7 क्या बात कर रहे हैं, एलॉय पे इतना गिर जाता है क्या? ओ भाई साहब, सिस्टम तो तगड़ा लगवा रखा है यार इसमें। तो पहली गाड़ी भैया हमने ली थी गाजियाबाद में, आगे भी है इसमें फ्लैशेस लगे हुए हैं। तो फॉर्चुनर को छोड़ के क्रेटा पे कैसे आए आप भाई? एज क्या है आपकी? मैं भी 18 साल का हूँ। हाँ, वो मुझे बातों से लग रहा है। तो यार देखो, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर दो, मेरी आंख भी नहीं खुल रही है अभी, तो आवाज भी ढंग से निकल रही है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा सपोर्ट दिखा दो। हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेके आपके लिए सामने देख लिया यार Hyundai Creta, लेकिन भाई नई वाली Creta नहीं है, पुरानी वाली Creta है। अच्छा, इसके बाद एक जनरेशन और आ गई है, मतलब जनरेशन ही बोल लो, और दूसरी बात है उसका एक फेसलिफ्ट भी आ चुका है, मतलब कि दो नई Creta आ चुकी है। लेकिन इस Creta की जो फैन बेस है ना, वो बिल्कुल ही अलग है, वो आप लोग को ही पता है। तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपने चैनल पर, ताकि आप लोग थोड़ा सा इन्जॉय करो, और इसके जो ओनर है उनसे हम बात करेंगे कि भाई कौन सा वेरिएंट है, कब उन्होंने ली थी, कितने में उनको पड़ी थी, और मेन बात होती है कि भाई Creta ही क्यों, और इस सेगमेंट में और जैसे गाड़ियां आ जाती तो वो क्यों नहीं ली। तो भाई अपने चैलेंज की एक और नई वीडियो आ चुकी है जिसमें हमारे साथ है Creta, और इस चैलेंज को सपोर्ट करने के लिए क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलो अब ज्यादा देर नहीं करते भाई, सीधे इनको इनवाइट करते हैं। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया। नाम बता दो। उदय भारद्वाज भाई मेरा नाम। उदय? हाँ जी भाई। उदय भाई, सबसे पहले ये बता दो गाड़ी का वेरिएंट, गाड़ी का मॉडल, ईयर, और कितने किलोमीटर आपने चला दी है? भाई अभी तक ये 50,000 कुछ चल गई है, और 2016 मॉडल है टॉप। अच्छा, 2016 मॉडल है टॉप। हाँ जी, SX जो आता है टॉप इसका वही है। ओके ओके, कितने में पड़ी थी आपको? 13-14 के आसपास थी बस। ठीक है भाई, थोड़ी सी बेसिक बातें करेंगे, लाइक के जब आपने गाड़ी प्लान की थी तो और कौन कौन सी गाड़ियां शॉर्टलिस्ट की थी? फॉर्चुनर देखी थी भैया, और फॉर्चुनर देखी थी भाई। इसका और फॉर्चुनर का क्या मेल आ गया? मतलब देखी थी भैया, जो भी मार्केट में नई नई आ रही थी, ओल्ड वाली फॉर्चुनर थी वो देखी थी, तो थोड़ी वो ऊंची थी इसलिए वजह ली नहीं, और ट्रेंड में थी और कोई नहीं, किसी ने ली नहीं थी, तो पहली गाड़ी भैया हमने ली थी गाजियाबाद में। ठीक है, तो भाई फॉर्चुनर देखी थी और ब्रेजा देखी थी। देखी थी ब्रेजा? ब्रेजा देखी थी, पर कंपैरिजन थोड़ा भैया ना मारुति भैया थोड़ा जाना नहीं था सेगमेंट में, बस यही था, तो इसलिए वजह से ये लेनी पड़ी। यार मुझे फॉर्चुनर वाला हिसाब बताओ, अगर मान लो आपने फॉर्चुनर देखी और फिर ये Creta देखी, तो फॉर्चुनर को छोड़ के Creta पे कैसे आए आप? थोड़ी ऊंची थी भैया, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन तब था कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसमें इजी टू होता सब कुछ, तो इस वजह से ये ले लिया हमने। अच्छा चलो भाई ठीक है, 50,000 किलोमीटर आपने चला लिया। चलो तो आज अच्छे से एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि भाई इस गाड़ी के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। सबसे पहले मुझे बताओ पहाड़ों वगैरह में घुमाइए कहीं? हर जगह जा चुकी भैया। कहाँ कहाँ जा चुकी? मनाली पूरा हो गई, और नैनीताल वगैरह नॉर्मली है सबको, मतलब चली जाती है कहीं ना कहीं। अच्छा हाँ जी भैया ठीक है, तो पहाड़ों में कितने किलोमीटर चली होगी टोटल? टोटल भैया अगर मान लो, बहुत ज्यादा नहीं चलती हमारी, बहुत कम ही चलती है, इतना तो कुछ है नहीं, 5-10 हज़ार कुछ मैक्स टू मैक्स। अच्छा इतना तो मतलब रनिंग है नहीं, मतलब लोकल में ही रनिंग है हमारी ज्यादा, इस वजह से भैया यही है बस 5-10 हज़ार मैक्स टू मैक्स। 15 मॉडल के हिसाब से 50,000 कोई ज्यादा रनिंग है नहीं? कुछ भी नहीं है भैया रनिंग, तो क्योंकि आजकल तो मैं देख रहा हूँ भाई के बंदे एक एक साल में 30-30 चल चल शेयर चला रहे भैया। बिल्कुल भाई, मुझे ये बताओ ये जो आप देख रहे हो आप, ये आपके पास है फर्स्ट जनरेशन Creta? हाँ जी भैया। उसके बाद दूसरी भी आ गई है, उसके बाद फेसलिफ्ट भी आ चुका है। भी आ गया भैया। तो अब जरा ये बताओ, आपसे पूछना इसलिए बनता है क्योंकि आप करते हो भाई ओल्ड वाली ओन, तो क्या मतलब ठीक लगी ये दोनों Creta या क्या कहानी रही? नहीं ये बढ़िया है, जो सेकंड जनरेशन आई उससे मुझे अच्छी फेसलिफ्ट लगी। फेसलिफ्ट में ब्लैक कलर थोड़ा मेरी प्रेफरेंस है, उस पे टेस्ट अच्छा है उसका थोड़ा, मतलब लुक वाइज, क्योंकि उसकी लाइटें वगैरह, लाइट वगैरह थोड़ी पहले से ऑलरेडी स्मोक दे रखी है उसमें, तो ये चीज है थोड़ी, वो ज्यादा अट्रैक्टिव है जो फर्स्ट सेकंड जनरेशन है उससे। ओके भाई, एज क्या है आपकी? मैं भी 18 साल का हूँ। हाँ वो मुझे बातों से लग रहा है आपको पसंद भी इसलिए आई, क्यों भाई तुम्हें तो यही पसंद आई होगी है ना भाई, अपनी एज को देखो यही वाली पसंद है, आपने बोला ना आपको फेसलिफ्ट पसंद है इसलिए मैंने एज पूछी। पसंद भी उस सेकंड जनरेशन जो शिफ्ट आई थी ना पीछे बस, हाँ उसके अलावा अब तक कोई, उसके बाद तो भाई ये क्या ही बना, यही ना आगे आने वाली है, मैं लग भी ऐसे ही रहा भाई। सही बात है यार बिल्कुल। चलो भाई अब आ जाते हैं जरा मॉडिफिकेशन पे, क्योंकि मेन इसीलिए खड़ी हुई है। हाँ जी भैया। तो बता दो मुझे भाई इसमें क्या क्या काम करा दिया, कितने इंच एलॉय वगैरह डलवा दिए? भैया 20 इंच एलॉय है, हाँ, और 245 40 20 इसकी प्रोफाइल हो गई, 245 40 20 इसकी प्रोफाइल हो गई। ठीक है, लो प्रोफाइल टायर, लो प्रोफाइल टायर भैया। एलॉयज कब डलवाए थे ये? एलॉयज भैया हो गए मोटा मोटा 5-6 महीने हुए होंगे, 5-6 महीने हुए हैं। हाँ जी, उससे पहले स्टॉक चल रही थी? स्टॉक चल रही थी भैया। क्या माइलेज दे रही थी भाई स्टॉक पे? स्टॉक पे भैया 13-14 दे रही होगी, 13-14 पेट्रोल है ना? हाँ पेट्रोल है। ओके 13-14 दे रही थी, के 13-14 मतलब दे रही। और अब कितना दे रही है भैया? अब तो पूछो मत बस, 6-7 क्या बात कर रहे हैं, एलॉय पे इतना गिर जाता है क्या? बहुत गिर जाता है, पेट्रोल है ना मेन बात, और रनिंग नहीं है ना। कितने एलॉय का जो साइज था स्टॉक? मुझे लगता था जब ये कहता था ना कि 6-7 का दे रही है, तो मैंने चलाई
भाई 6-7 का बहुत कम है यार, बहुत कम है। एक टंकी बनवा के 300 मुश्किल हो गई पूरी, 5500 रुपए के तेल में 300 डीजल यार। उधर भाई मुझे एक बात बताओ, मैंने मतलब स्टॉक कितने इंच बता रहे हो? 16 इंच थे इसमें नॉर्मल, 4 इंच अपग्रेड हुआ है। हाँ जी भैया। तो मुझे लग भी रहा है खैर इतना घटा होगा। बाकी यार ये ड्राइविंग पे भी तो वो पड़ता है ना? ड्राइविंग पे भी पड़ता है भैया, पर ज्यादा इफेक्ट मुझे टायर का ही लगता है, मतलब और अलॉय का लगता है, क्योंकि तब इतना मैं तब भी खींचतान की दे रही थी, पर अब जो है एकदम घट गई, एकदम मतलब वो हो गई, गिर गई पूरी एवरेज। कोई नहीं, अब शौक है तो करना ही पड़ेगा। हाँ ये तो भाई मैंने मान लिया कि शौक है तो करना पड़ेगा। बाकी आगे क्या है, फ्लैशर्स वगैरह लगा? आगे भी है, इसमें फ्लैशर्स लगे हुए हैं। ठीक है। और आगे से तो नॉर्मल नॉर्मल हमारे एलईडी वगैरह कोई सब है, व्हाइट वाली जो होती है, और नीचे फॉग लैंप है, और 340 वोल्ट इसमें है, और 220 वोल्ट कुछ ऊपर होगी बस। आगे से तो भाई इसमें कुछ कराओ ना फिर, या अभी कुछ सब कुछ होगा, अभी मतलब थोड़ा सब कुछ चेंज होगा। अच्छा, बेचनी बाचनी तो है नहीं? नहीं नहीं, बेचने वाला सीन नहीं अभी। ठीक है, तो क्या क्या कराने वाले हो इसमें भैया? इसमें आगे से तो पूरा डीक्रोम हो जाएगी, और यहाँ रूफ ग्रिल लग जाएगी जो 4 छोटी छोटी होती है, और बहुत सारी चीजें सोच रही है, और मतलब टायर स्टिकर हो गए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सोच रखी है। क्योंकि भाई एलॉयज चलो ठीक है, मैं मान रहा हूँ मेन काम होता है एलॉयज का, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो अभी कमी लग रही है। हाँ जी भैया, बिल्कुल बहुत कमी लग रही है। तो इसका सेकंड पार्ट एक लेके आएंगे फिर, पक्की बात भैया, डन। ठीक है, तो कमेलियन रैप में देख रहा हूँ, ORVM पे है बस, आपने नहीं कराया बोनेट वगैरह पे जो कराते हैं? नहीं भैया, बोनेट वगैरह थोड़ा नहीं भैया, पसंद उस टाइप की नहीं है, थोड़ी सिंपल सोबर ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है मुझे। टेस्टफुली मॉडिफिकेशन। ओके ओके। हाँ जी भैया। चलो भाई अब थोड़ा सा पीछे की साइड आ जाते हैं, रियर प्रोफाइल पे बात कर लेते हैं, क्योंकि पीछे भी भाई ने इसमें लगा रखा है स्पॉइलर, और ये बैटमैन वाला स्पॉइलर है। हाँ जी भैया, थोड़ा मैंने बैटमैन लुक दिया है, स्टिकर भी और वो भी, तो बस यही है। और अभी तो इसमें टेल लाइट ऑर्डर कर दी है, इसकी जो पैटर्न आती है पूरी चेन स्मोक्ड आती है, एक स्मोक्ड आती है और एक नॉर्मल आती है, ऐसे एल शेप में आती है, आती है। ये स्मोक करी है आपने? हाँ जी, स्मोक करा रखी है भैया, इससे भी अच्छा लुक है, पर वो थोड़ी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, तो वो ऑर्डर कर रखी है, वो आ जाएगी उस टाइम में। भाई एक बात बताओ, सुबह इतनी जल्दी उठ जाते हो क्या आप? अरे भैया उठ जाते हैं, बस आपके लिए उठना पड़ा। मैं तो यार अभी भी नहीं उठ पाया, मैं जब आपका फोन आया मेरी अब आँख खुली, मैंने कहा यार क्या ही हो रहा है ये। कोई नहीं भैया। चलो तो यार देखो, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर दो, मेरी आँख भी नहीं खुल रही है, अभी तो आवाज भी ढंग से निकल रही है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा सपोर्ट दिखा दो भाई। जरा एक बार इसका बूट एक्सेस करना। ओ भाई साहब, सिस्टम तो तगड़ा लगवा रखा है यार इसमें। RDS कितने का खर्चा कर रखा है मुझे सबसे पहले ये बता दो। टोटल भैया? नहीं, सिस्टम में। सिस्टम में खाली? हाँ भैया, 115,000-120 के अराउंड है। अच्छा, 1,25,000 के आसपास? 1,25,000 के आसपास है भैया। ओके, तो भाई इसका अगर आपको सिस्टम देखना है ना, तो भाई एनसीएस वगैरह नहीं, सिंपल छोड़ दो, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, जैसे और गाड़ियों को देखते हो उस पे जाके सिस्टम चेक करो, क्योंकि रील पे हम बहुत अच्छे से बहुत अच्छा म्यूजिक सुनाते हैं आपको, एनसीएस पे भाई समझ में नहीं आता क्या ही चलता रहता है। तो उधर भाई मुझे ये बता दो जरा डिटेल्ड में कि गाड़ी में सिस्टम आपने बता दिया 1,25,000 का लगा, लेकिन 1,25,000 का लगा क्या क्या हुआ है भैया? एक तो दो मान लो 1,000-1,000 के ऊपर हो गए, 1,000-1,000 RMS के, ठीक है, और हमारे 4 ओवल हो गए पाइनियर के जो नॉर्मल आते हैं कॉमन, ठीक है, और 4 सिल्वेस्टर के भी है इसमें, और 2 हाइपरसोनिक हो गए, मतलब एक पेयर हाइपरसोनिक हो गया भैया। ओके ओके जी भैया। चलो तो सिस्टम तो काफी अपग्रेड है भाई। हाँ जी भैया, काफी। और ये सीन अपना है भाई काले शीशे वाला। हाँ जी भैया। तो ऐसे चला रहे हो गाड़ी? हाँ, शूट के लिए लेके आए हो? नहीं नहीं, हर जगह ऐसी आती है। अच्छा, हर जगह ऐसी चल रही है? हाँ जी भैया। दिक्कत नहीं हो रही? नहीं भैया, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छी बात है भाई, दिक्कत नहीं भी होनी चाहिए। और भाई मैंने देखा है अगर काले शीशे करा रहे तो भाई ऐसे ही चलाते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ शूट के लिए। मैं नहीं रिकमेंड करता किसी को भाई काले शीशे करो, ठीक है, जिसे करने हैं वो करो, जिसे नहीं करने वो मत करो। आओ भैया जरा गाड़ी के अंदर बैठो भाई। इसमें डैम वगैरह कर रखे क्या भैया? होल पूरी गाड़ी डैम पे भैया, वो दिख रहा है, डोर ओपन करते ही दिख रहा है कि इसमें डैम अच्छा खासा हो रखा है। एक बार इसका ना भाई मीटर दिखा देते हैं, ये देख लो, इसमें चली हुई है 54,232, ठीक है, और माइलेज आप बता रहे हो कि 6-7 का दे रही है? 6-7 का दे रही है भैया, बिल्कुल। ये मान लो कल तक में, कल मोटा मोटा अगर चल गई लंबी तो एक हफ्ते के अंदर भी नहीं खत्म, मतलब 4-5 दिन में खत्म हो जाएगी। भाई मुझे ये बताओ, इस क्रेटा का कोई ऐसा फीचर जो आपको अंदर बैठते ही लगता हो यार ये वाला कमाल है भैया? मेरे लिए तो ये बेस्ट है भैया। नहीं, मतलब कोई फीचर आपको फीचर मतलब अच्छा लगता हो, होता है ना कि गाड़ी में एक चीज पसंद आती है, मतलब इसके तो साइड पैनल, ये जो साइड का वो होता है ना फ्रेम, ये तो मेरे लिए बेस्ट है, मतलब ठीक है, मतलब और गाड़ियों में इतना मजा लुक नहीं आता जितना इसमें आता है। बाकी भैया सब नॉर्मली है, इसमें इतना कुछ तो है नहीं, मतलब की फीचर बहुत ज्यादा हो, क्योंकि तब के टाइम में तो भैया क्या ही फीचर आ रहे थे, कुछ इतना खास फीचर, अब ज्यादा एडवांस, अब ज्यादा एडवांस हो रही चीजें, तो अब सब कुछ अट्रैक्शन वगैरह। इस गाड़ी के अंदर मेरे
भाई बैठते ही पता लगता है इस गाड़ी में। मैंने जो चीज नोटिस करी मैं सारी चलाता रहता हूँ, बिल्ड क्वालिटी बहुत अल्टीमेट है, बहुत गजब। मैं बता तो रहा हूँ, मुझे सिर्फ यही वाली क्रेटा पसंद आई जाता है इसका। मैं बता रहा हूँ इसमें कोई ऐसे में आज तक दिक्कत भी फेस नहीं करनी पड़ी होते हैं ना लोगों के, डेंटेड इसमें कभी कुछ आता ही नहीं हमारी में। बिल्कुल सही बात है भाई, मुझे ये बताओ यार स्टीयरिंग इसका टिल्ट टेलिस्कोपिक दोनों मिलता है या सिर्फ टिल्ट मिलता है? टिल्ट मिलता है गाइस, इसमें बाकी तो कंट्रोल सारे मिल जाते हैं, कंट्रोल सारे हैं, सब कुछ है, क्योंकि टॉप है। कराने का सोचा है हाइड्रो ट्रिप, मतलब बहुत कुछ सोचा है, भी तो शुरुआत हुई है। मुझे लग रहा है इसकी जो मॉडिफिकेशन की जर्नी है वो अब आपने स्टार्ट करी है। अब स्टार्ट हुई है भैया बेसिकली, अब तो आगे तक जाना है। और चलो तो आप इसको जब एक बार कंप्लीट कर लोगे ना भाई, उसके बाद भी लोग शूट करेंगे हम, डन भैया बिल्कुल, है ना, तो दिखाएंगे कि हमने क्या शूट किया था फर्स्ट पार्ट में और आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। डन भैया, बहुत कुछ लाएंगे नया, बहुत चीजें सोच रखी है जो नहीं है अभी तक कोई क्रेटा में। अब मुझे ये बताओ भाई इस गाड़ी का कम्फर्ट लेवल कैसा है? भैया मेरी तरफ से बेस्ट कंफर्ट है इसका। ओके, और ड्राइविंग? ड्राइविंग लॉन्ग ड्राइव पे भी हम मनाली होया है लगातार, तो कोई दिक्कत नहीं है। 12-13 घंटे 13-14 घंटे का रास्ता ही है मनाली का भी, बिल्कुल भैया हम लगातार खींचिए और कोई दिक्कत नहीं है कंफर्ट का। ओके, ना आगे ना पीछे कोई दिक्कत नहीं है कंफर्ट में। बढ़िया है यार फिर तो। और पीछे से फैमिली का कोई रिस्पांस के हाँ ठीक है या ऐसे? बढ़िया, उनके लिए भी बढ़िया है, फैमिली कार ही है भैया, मतलब पर्सनल कार तो कुछ है नहीं, पापा भी ये चलाते हैं, सब ये चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उदय भाई ये बताओ यार, आजकल जैसे वेटिंग का सीन चल रहा है गाड़ी पे, उस टाइम भी था क्या? हाँ भैया उस टाइम था, जब जिस दिन आई थी उस दिन भैया मैं 6 महीने की बुकिंग के लिए रोक दिया था। 2015 में था ये सीन? हाँ भैया बिल्कुल था। वैभव भाई था ये सीन 15 में जब लॉन्च हुआ? बिल्कुल, ये था सही बोल रहे हो यार। तो उस टाइम भी आपको कितने टाइम में बता रहे हो? एक मतलब 6 महीने की बुकिंग थी पर हमें एक हफ्ते के अंदर मिल गई। एक हफ्ते में मिल गई, तो ऐसा कैसे कि एक हफ्ते में मिल गई? वे जानने वाले थे उसमें ऑन टाइम में, तो अच्छा बातचीत हो गई थी। चलो यार भाई, एयर बैग कितने आते हैं इसमें? इसमें ये मान लो भैया एक तो एयर है, मान ही लिया, अब तो मैंने छोड़ दू तुम है भैया, दो ही आते होंगे एक डैशबोर्ड हो गया। हाँ दो ही आते, दो ही है। इतनी फैसिलिटी कहाँ थी उस टाइम भी? 6 है भाई अब तो, 6 है बलिनो में। हाँ कब करा रहे हो भाई बलिनो का शूट? आ जाओ भाई, यार उदय भाई भी बोल रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ। यार वैभव भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रही है, अब डेली शूट करना होता है, कभी कभी तो मैं सुबह 5 बजे भी कर रहा हूँ उठ के। अब दिक्कत क्या, डेली डालनी वीडियो, डेली करनी, कहीं निकलने का टाइम ही ना हो पा रहा। एडिट भी मुझे ही करनी है सारी चीजें, मेहनत है भैया। रील भी 3-4 डाल रहे हैं डेली की, मेहनत है। तो मैंने इनसे बोल दिया था, मैंने कहा जब भी मैं आऊंगा ना मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। और मैं तुम्हारी बता रहा था वो कि हिंडन पे 2-3 गाड़ी, एक तुम्हारी होगी, एक और बंदा है उसकी ग्रैंड विटारा है। आ जाओ उदय भाई बाहर ही। हाँ जी भैया। उदय भाई अब जरा मुझे ये बता दो यार, जैसे गाड़ियों में पॉजिटिव्स होते हैं तो ऑलमोस्ट नेगेटिव्स भी होते ही हैं, तो इस गाड़ी में 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद 50-55,000 चला लिया आपने, क्या नेगेटिव पॉइंट आपको समझ आए हैं? नेगेटिव पॉइंट तो भैया यही है बस कि माइलेज की दिक्कत है। माइलेज देखो घटनी, अगर तुमने पेट्रोल ऑयल लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं बनता बाइक से भैया, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है इस गाड़ी। अच्छा ओके ओके, सब प्रॉपर है भैया, कंफर्ट से लेके ड्राइविंग एक्सपीरियंस से लेके बबलिंग से लेके। भैया आप मेरी गाड़ी मान लो मेरे, आप बैठोगे ना कभी, आप चलेगी जब, आपको लगेगा नहीं कि भैया 20 इंच में चल रही गाड़ी। ओके ना भैया बबलिंग कुछ भी मतलब इतने बड़े एलॉय के बाद भी कोई दिक्कत नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं भैया, आप मैं मान लो आपको लगेगा ही नहीं कि आप 20 इंच में बैठ के चला रहे हो। 20 इंची लगने के बाद भी गाड़ी का कंफर्ट 0 बताते सब। ओहो मेरी गाड़ी का कंफर्ट बिल्कुल नहीं गया, जो 16 में चल रही थी वो इसी में चल रही है। बस ये है कि थोड़े लिफ्ट करवाने की तो जरूरत होती है भैया आगे पीछे। तो इसमें लिफ्ट के लिए क्या गुटके वगैरह लगवाए थे? हाँ गुटके भैया, पीछे तो एक गुटका ही टाइप था और आगे एक चीज डाली है, वो नई चीज है, मतलब कुछ बताऊंगा मैं, मतलब बता नहीं सकता ऐसा हर चीज कोई। अच्छा कुछ यूनिक सा है मतलब? तो ऐसा क्या यूनिक है? वो यहाँ नहीं दिखेगा भैया। अच्छा वो पूरा खोल के अंदर लगी हुई है ऊपर यहाँ से बोनट के अंदर से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो शो करके सस्ता जुगाड़, बढ़िया जुगाड़, मतलब लॉन्ग लास्टिंग। चलो भाई अब जरा रेटिंग की बात करते हैं भाई, आउट ऑफ 10 जरा आपने 50,000 किलोमीटर चला लिए, तो भाई रेटिंग कर दो कि ह्यूंडई की इस वाली क्रेटा को आप कितने नंबर देना चाहोगे 10 में से? बिल्कुल भैया मेरा ये मानना भैया 10 में से 10 ही दूंगा मैं तो। नंबर नहीं काटने भैया मेरी तरफ से, डिसेंट मॉडिफिकेशन और बेस्ट मॉडिफिकेशन होती है जो होती है, ज्यादा कुछ कराना भी भैया वो थोड़ा बाहर चला जाता है। हाँ ओवर हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है, मेरा टेस्ट जो बोलता है वैसे भी मेरी तरफ से 10 में से 10 है। और बाकी नई नई चीजें लाएंगे तो आपको दिखाएंगे बिल्कुल, कि बहुत सारी चीजें आएंगी अब नई।
चलो यार थैंक यू भाई उदय भाई अपने टाइम देने के लिए, और भाई थैंक यू सो मच सुबह सुबह आने के लिए मेरे पास। भाई यार हिंडन एयरफोर्स से मतलब कितने किलोमीटर पड़ता है वो? 18-20 किलोमीटर पड़ता है, और सुबह सुबह आ गए हैं और बिल्कुल मेरे पास ही आए हैं भाई, घर के पास, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी सुबह सुबह उठ के आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो यार उदय भाई एक बार अपील कर दो, मेरी एक 6 महीने चैलेंज जर्नी चल रही है जिसमें हमें 180 वीडियोस डालनी है, उसके लिए अपील कर दो एक बार। मैं कहूँगा जो मेहनत लग रही है वो हम देख सकते हैं, मतलब जो पीछे वाला इंसान नहीं देख पाएगा, जो मेहनत लग रही है, जो धूप में भी शूट चल रहे हैं, सुबह उठ के भी चल रहे हैं, रात में भी चल रहे हैं, तो भाई की बहुत मेहनत है मेरी तरफ से। फुल सब्सक्राइब और लाइक कर दो एकदम बढ़िया। चलो भाई अब कर दो बिल्कुल। चलो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पुरानी क्रिएटा की एक ओनरशिप एक्सपीरियंस देख के आपको मजा आया हो, तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं पेन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हाँ अगर सिस्टम सुनना है तो रील पे जाके सुनो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।